देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। नागदा खाचरोद में स्थानीय मीडिया से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष मोहम्मद सुल्तान सिंह जी शेखावत ने प्रदेश में संबल योजना से प्रदेश के गरीब पिछड़े और श्रमिक शक्ति के जीवन स्तर में आए परिवर्तन के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही कांग्रेस के किसान कर्ज माफी के शिगुफे की सच्चाई सामने रखी है। किसानों के संबंध में तो भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टि पत्र है वो दृष्टि पत्र आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। अब बहुत सारी योजनाएं किसान को समृद्ध करने में, चाहे भावांतर योजना हो, चाहे वो समर्थन मूल्य का मामला हो, बोनस का मामला, वो सारे मामले अपनी जगह है। एक प्रश्न आपके सामने में स्पष्ट थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि किसान का कर्जा माफ किया जाएगा। RBI की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में ये लिखा कर्जा उसी का माफ होता है जो डिफाल्टर होता है। और डिफाल्टर पूरे प्रदेश में कितने हैं ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज की स्थिति में हमारा किसान समृद्ध किसान है। 95% किसान जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेन देन करता है वो बराबर अपना जमा करता है, तो केवल 2 से 5% के बीच में डिफाल्टर किसान होगा तो कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरा, पंजाब में क्या किसान का कर्जा माफ़ हो गया कि वहाँ पर बेंगलोर में कर्जा माफ़ हो गया, ये आपको पता है इसी तरह से। नागदा से खबर समय जगत के लिए राकेश कानूनगो की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।